हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल बनवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स और जीरो बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो लोग टॉपिक है आज का नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा नाम है रिड्यूसिबल इनटू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके पहले केस यानी कि केस फर्स्ट को जब a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग इसके पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आई होप कि आप उसको देखे होंगे, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना देर के आज वीडियो चालू करते हैं और देखते हैं केस टू को। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हम लोग का टॉपिक कौन सा है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में आपको इसके पहले लेक्चर में बताया जा चुका है। लेकिन अब हम लोग को दूसरा केस देखना है तो उसके लिए क्या करना होगा, फिर कंसीडर करना होगा एक इक्वेशन को। तो क्या किए, कंसीडर और डिफरेंशियल इक्वेशन। यह डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इस फॉर्म का होता है। अब देखे भी, अब दूसरा केस हम लोग को पढ़ना है a1 by a2 नॉट इक्वल टू हो गया, a1 by a2 इक्वल टू हो b1 by b2 के। जब नॉट इक्वल टू तो ये केस फर्स्ट में जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जब ये इक्वल होगा तो a1 by a2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, b1 by b2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, देखेंगे कि दोनों इक्वल आता है कि नहीं। अगर इक्वल आया तो ये केस, अब ये आएगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। हम लोग क्या मान लिए, उसका वैल्यू k मान लिए, क्या मान लिए k। अब ये बताइए यहां से आप क्या कर सकते हैं, देन a1 इक्वल टू a1 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसको हटा दीजिए तो ये a2 जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा ka2 एंड b1 इक्वल टू kb2, ऐसे हो जाएगा। अब हम इसका वैल्यू क्या करेंगे, इसे पुट करेंगे, तो इसको मान लीजिए फर्स्ट लिखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट और इसका वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहां से देखिए ये आएगा dy/dx इक्वल टू a1 के जगह ये ka2, तो यहां पर क्या हो जाएगा ka2x, a1 के जगह पर रखना है ka2, तो x तो है प्लस तो x रहेगा प्लस b1 और b1 की जगह क्या आएगा kb2, तो ये हो गया kb2 और y है तो y रहेगा प्लस में c1 डिवाइडेड बाय कितना, ये a2x प्लस b2y प्लस c2, ऐसे क्योंकि हम लोग a1 और b1 का वैल्यू पुट किए हैं। अब यहां से इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, अब देख रहे हैं आप इस दोनों में से कुछ कॉमन आएगा और क्या कॉमन आएगा, तो दोनों में से k कॉमन आ सकता है, k तो k कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, यहां से a2x प्लस b2y प्लस c1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2, ऐसे आया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मानते हैं इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड। अब देख रहे स्टूडेंट्स कि यहां से दोनों में कुछ ना कुछ इक्वल आया, क्या आया a2x plus b2y, इसमें क्या आया a2x plus b2y। अब इसको हम लोग मान लेंगे एक नए वेरिएबल से, क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इसको हम लोग को रिड्यूस करना है, किसे रिड्यूस करना है, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हम लिखेंगे क्या कि पुट a2x plus b2y इक्वल टू v, नया वेरिएबल हो गया हम लोग का v में। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या करते हैं इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, यहां से आएगा a2 x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं प्लस b2 और ये dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर dv/dx, ये a2 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। ये काम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि a2x plus b2y के जगह भी रख देंगे, लेकिन dy/dx ये भी तो x और y वेरिएबल में है तो इसके जगह हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसलिए dy/dx फाइंड करना होगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं b2 dy/dx इक्वल टू dv/dx, ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में a2। अब देख रहे हैं कि b2 इधर गुणा में, इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, तो इसको लिख सकते हैं देयरफॉर dy/dx इक्वल टू, इधर पहले से है dv/dx माइनस a2 और गुणा में, इधर आके भाग करेगा मतलब कि 1/b2, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग कि इस इक्वेशन 2 में इसके जगह और इसके जगह भी पुट करेंगे और dy/dx का वैल्यू, तो लिखते हैं फ्रॉम सेकंड और क्या हो जाएगा यहां से, तो dy/dx जो है इसको पुट करते हैं तो 1/b2
इंटू डी वी बाई डी एक्स माइनस ए टू इक्वल टू, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा के और इसके जगह वी प्लस सी वन डिवाइडेड बाई इसके जगह वी प्लस सी टू, ऐसे हो जाएगा। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा टर्म कैसा है, वी ये बी टू इधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। अब हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, इस यहाँ सब लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूज कर रहे हैं। देखिए कैसे बी टू इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स माइनस ए टू और इक्वल टू बी टू इंटू के वी प्लस सी वन डिवाइडेड बाई वी प्लस सी टू, ऐसे हो जाएगा। अब ये बताइए यहां से क्या करेंगे हम लोग, इस माइनस को इधर ला देंगे, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ये माइनस में जाएगा तो प्लस में, यानी कि ए टू प्लस बी टू इंटू के वी प्लस सी वन डिवाइडेड बाई वी प्लस सी टू, और यहां से आप अभी यूज कर दीजिए क्या, नाउ प्रोसीड प्रोसीड एज वेरिएबल सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल, यानी कहने का मतलब क्या कि अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, वी वाला टर्म एक तरफ और एक्स वाला टर्म एक तरफ कर सकते हैं, और तब आप उसको कैसे बना दीजिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के जैसे जैसे, क्योंकि इसको आप पहले से जानते हैं। तो ये रहा नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सा केस, जब ए वन बाई ए टू इक्वल टू हो जाए बी वन बाई बी टू के, पूरा कॉन्सेप्ट कि हम लोग कैसे कैसे उसको फॉलो करेंगे कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखते हैं इस पर कुछ एग्जांपल्स को, तो अब देखते हैं एग्जांपल्स को, जिसमें का पहला एग्जांपल है सॉल्व डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस टू वाई माइनस वन बाई एक्स प्लस वाई माइनस वन। सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, और जो गिवन है लिख दीजिए, तो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस टू वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस वन। और यहां से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ए वन ए टू और बी वन बी टू को देख लेना कि है क्या, फिर हम लोग को निकालना होगा ए वन बाई ए टू और बी वन बाई बी टू। तो लिखते हैं हेयर ए वन इक्वल टू टू कॉमा बी वन इक्वल टू टू ए टू इक्वल टू ए वन कैसे, यहां से एक्स का कोएफिशिएंट, बी वन कैसे तो यहां से वाई का कोएफिशिएंट, और ए टू यहां से एक्स का कोएफिशिएंट और बी टू यहां से वाई का कोएफिशिएंट, तो ये वन और बी टू भी कितना हो जाएगा यहां से वन। तो क्या लिखेंगे देयरफॉर ए वन बाई ए टू कितना आएगा तो टू बाई वन, तो टू बाई वन इक्वल टू टू एंड बी वन बाई बी टू कितना आया तो ये भी आया टू बाई वन इक्वल टू टू। दस ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू ये दोनों इक्वल आ गया। तो जैसे ही दोनों इक्वल आएगा हम लोग को क्या करना है, अब देखे थे दोनों इक्वल आ गया तो हम लोग को फ्रॉम वन यानी इसको वन मानना पड़ेगा, और लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट क्या करेंगे यहां से, देखिए दोनों से टू कॉमन आ सकता है तो टू कॉमन लीजिए डीवाई बाई डी एक्स। यहां से ध्यान क्वेश्चन पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से ये आप देख रहे देखे थे कि किस फर्स्ट में और किस सेकंड में भी हम लोग चेक कर ही रहे ए वन बाई ए टू और बी वन बाई बी टू, अगर इक्वल आया तो कैसे बनाना है और इक्वल नहीं आया तो पहले केस में कैसे बनाते थे। ठीक है तो कैसे बनाएंगे, यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों में से टू कॉमन लेंगे, तो जैसे ही टू कॉमन लेंगे यहां क्या आएगा एक्स प्लस वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई और ये हो जाएगा माइनस वन, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए दोनों में से किसको मानेंगे, बोलिए बिल्कुल सही समझे किसको मानेंगे x प्लस वाई को, तो लिखिए पुट x प्लस वाई इक्वल टू भी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा यहां से वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा यहां से तो ये हो गया डी वी बाई डी एक्स और ये प्लस वन इधर गया तो माइनस वन। अब यहां से क्या करना होगा तो x प्लस वाई की जगह भी पुट करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वी बाई डी एक्स माइनस वन, कहां पर तो इस इक्वेशन सेकंड में क्योंकि फर्स्ट किसको माने हैं, तो लिखते हैं अब फ्रॉम सेकंड डीवाई बाई डी एक्स का इसको पुट करते हैं यानी कि डी वी बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल टू टू और इसके जगह भी माइनस वन डिवाइडेड बाई भी माइनस वन,
सही है। अब यहां से ये माइनस में जाएगा तो प्लस में, तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू वी माइनस वन बाई वी माइनस वन, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस वन, इसको बटा के जोड़ कर देते हैं। तो यहां से हो जाएगा ये डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू टू वी माइनस वन प्लस वी माइनस वन बाई वी माइनस वन। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, देखा टू वी प्लस वी, ये हो जाएगा थ्री वी माइनस वन और ये माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस में टू डिवाइडेड बाई वी माइनस वन। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, वी वाला टर्म एक तरफ और एक्स वाला टर्म एक तरफ, तो करते हैं तो ये आएगा वी माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री वी माइनस टू, और यहां हो जाएगा डी वी इक्वल टू, ये हो जाएगा डी एक्स। देख रहे हैं कि वी वाला टर्म एक तरफ और एक्स वाला टर्म एक तरफ हो गया है, तो क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर तो ये आ जाएगा वी माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री वी माइनस टू, और ये डी वी इक्वल टू डी एक्स। अब ध्यान देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग इंटीग्रेशन में जानते हैं कि नीचे जितना पावर है वेरिएबल का, तो भी यहां वेरिएबल है, इसका पावर कितना है वन, यहां पर इसका पावर भी कितना है वन, तो दोनों सेम है, तो नीचे के बराबर हम लोग ऊपर भी मैनेज करते हैं, तो कितना है ये थ्री भी है, तो यहाँ पर थ्री भी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं थ्री से डिवाइड और थ्री से मल्टीप्लाई, तो थ्री भी माइनस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री भी माइनस टू, और ये डी भी इक्वल टू यहाँ डी एक्स हो जाएगा ऐसे। अब ये बताइए थ्री भी माइनस टू है, यहाँ पर क्या है थ्री भी माइनस थ्री, तो माइनस थ्री की जगह लिख सकते हैं माइनस टू माइनस वन, यानी कि वन बाई थ्री, और ये थ्री भी माइनस टू माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री भी माइनस टू, और ये डी भी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस सी वन लिख सकते हैं, ऐसे सी लिख दीजिए सी रह दीजिए। अब यहां से ये बताइए वन बाई थ्री, यहां से क्या करते हैं हम लोग अलग अलग कर देते हैं, तो जब थ्री भी बाई टू के जगह बटा में ये करेंगे तो थ्री भी बाई टू और थ्री भी बाई टू कट के वन हो जाएगा वन डी भी, यानी कि डी भी यहाँ क्या है माइनस वन बाई थ्री, तो ये रहेगा ही, और अब यहां से वन के बटा में ये तो वन बाई थ्री भी माइनस टू, और ये डी भी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये एक्स प्लस सी, ऐसे हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये वन बाई थ्री, और यहाँ क्या हो जाएगा ये वी माइनस वन बाई थ्री, और यहां से देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो ऊपर आएगा, लेकिन ये वन बाई थ्री है, यहां से थोड़ा ध्यान दीजिए, आप थ्री कॉमन ले लीजिए, क्या करते हैं थ्री कॉमन लेते हैं, तो वन बाई थ्री जैसे ही आप कॉमन लेंगे यहाँ क्या हो जाएगा वन बाई वी माइनस टू बाई थ्री, और ये डी भी इक्वल टू एक्स प्लस सी, समझे क्या किए हैं, क्या किए यहाँ से वन बाई थ्री डी वी का इंटीग्रेशन भी माइनस वन बाई थ्री, तो माइनस वन बाई थ्री रन दिए, और यहाँ से थ्री कॉमन ले लिए। आप सोचेंगे थ्री क्यों कॉमन ले लिए, तो थ्री इसलिए कॉमन लिए कि जैसे ही थ्री कॉमन लेंगे इतना आएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो ये वी के रेस्पेक्ट में तो ये वन आ जाएगा, क्योंकि इसका जीरो और वी का डिफ्रेंशिएशन वन, तो जब नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में हो तो क्या करते हैं इसमें लॉग लगा देते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा ये वन बाई थ्री भी माइनस वन बाई नाइन, माइनस ये वन बाई थ्री वन बाई थ्री वन बाई नाइन, और इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर में है तो क्या करेंगे लॉग लगा देंगे, यानी कि लॉग भी माइनस टू बाई थ्री इक्वल टू क्या उधर एक्स प्लस सी। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट, ये जो हम लोग का आंसर आया यह भी के फॉर्म में आया, बट हम लोग का क्वेश्चन तो भी के फॉर्म था नहीं, किसके फॉर्म था एक्स और वाई के, तो हम लोग क्या करेंगे भी के जगह एक्स और वाई पुट करेंगे, यानी कि एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा वन बाई थ्री एक्स प्लस वाई माइनस वन बाई नाइन लॉग, और यहां हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस टू बाई थ्री इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब यहां से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन आ सकता है, कॉमन क्या आएगा तो देखिए वन बाई थ्री, और यहां से क्या आएगा एक्स प्लस वाई माइनस, यहां से हो जाएगा वन बाई थ्री लॉग, और ये क्या हो जाएगा यहां से बटा के जोड़ कर दिया जाए तो ये हो जाएगा थ्री एक्स, थ्री एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू, और डिवाइडेड बाई कितना थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा तो ये एक्स प्लस सी। अब ये थ्री जाके इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां से हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस वन बाई थ्री लॉग थ्री एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू बाई थ्री इक्वल टू
थ्री तो जेड को मल्टीप्लाई करेगा तो इधर क्या हो जाएगा थ्री एक्स प्लस थ्री इंटू सी, सही है। अब यहां से एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, ये x प्लस वाई माइनस वन बाई थ्री। अब ध्यान देखिए सर, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपको, क्या हो जाएगा फॉर्मूला log a बाई बी। इसका फॉर्मूला याद होगा क्या होता है, log a माइनस log b, ये फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं यहां पर, क्योंकि आप देख लीजिए इसको, इस फॉर्मूले को। तो जैसे ही इसका हम लोग यूज करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा log 3x प्लस 3y माइनस टू, ऐसे फिर क्या माइनस, क्योंकि क्या होता है log a बाई बी। अब ये फॉर्मूला देखे थे log a माइनस, तो ये सही है कि log 3 तो रहेगा लेकिन ये माइनस वन बाई थ्री, तो दोनों मल्टीप्लाई करेगा ना, तो यहां पर माइनस वन बाई थ्री रहेगा लेकिन यहां माइनस वन क्या देगा प्लस, ये वन बाई थ्री और इक्वल टू क्या होगा ये 3x प्लस 3c। अब यहां ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, जैसे ही हम लोग इसको उधर लेकर के जाएंगे तो ये x प्लस वाई माइनस वन बाई थ्री लॉग क्या हो जाएगा, यहां से 3x प्लस 3y माइनस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से देखिए तो ये 3x तो रहेगा प्लस 3c माइनस वन बाई थ्री और ये लॉग 3। अब यहां पर ध्यान देंगे ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट ही है, तो इसके अंदर क्या करते हैं नया कॉन्स्टेंट लिखते हैं क्या k लिखेंगे। और एक और बात, एक और बात क्या कि x इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो x आके इधर के घट जाएगा तो क्या बचेगा 2x, तो ये हो गया y माइनस वन बाई थ्री लॉग 3x प्लस 3y माइनस टू इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, तो ये 2x प्लस k एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा हम लोग का पहला एग्जांपल, इस पर देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर टू, देखने लिखा गया है सॉल्व dy बाई dx इक्वल टू 6x माइनस 2y प्लस 7 बाई 3x माइनस y प्लस 4। तो लिखते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy बाई dx इक्वल टू 6x माइनस 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3x माइनस y प्लस 4, और इसको मानेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, सही है। अब क्या लिखते हैं, लिखेंगे हेयर a1 इक्वल टू कितना है 6, a2 इक्वल टू कितना है, तो देखिए ये माइनस 2 है, y के कोएफिशिएंट माइनस 2, फिर a ये सॉरी ये b1 है और ये a2 इक्वल टू कितना है 3 और ये b2 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1, तो देयरफॉर a1 by a2 इक्वल टू कितना आएगा ये 6 by 3, तो कितना गया ये 2 एंड b1 by b2 ये कितना आ गया, तो ये आया माइनस 2 by माइनस 1 इक्वल टू ये भी कितना आया तो 2। अब आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहां से a1 by a2 b1 by b2 बराबर आया, तो लिखिए 10 a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बराबर आया। तो जैसे ही बराबर आया अब लोग क्या करना है, इसमें कुछ ना कुछ कमन आएगा, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अगर a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल आया तो निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ कमन आएगा, चाहे ऊपर से कमन आए या फिर नीचे से। तो अब देख रहे हैं कि यहां से क्या कमन आ सकता है, 2 कमन आ सकता है, तो लिखिए फ्रॉम फर्स्ट dy by dx इक्वल टू, जैसे ही इसमें 2 कमन लेंगे ये हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3x माइनस वाई प्लस 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब यहां से क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं पुट 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना, भी डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 3 माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा डी वी बाई डी एक्स, तो देयर फोर dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में और ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस डी वी बाई डी एक्स। और क्या कर रहे हैं हम लोग यहां से, तो 3x माइनस वाई की जगह भी पुट करेंगे और dy बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, तो लिखिए फ्रॉम सेकेंड पुट कीजिए तो 3 माइनस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए इसके जगह वैल्यू पुट कर दिए, अब इसके जगह भी और इसके जगह भी, तो ये होगा 2v प्लस 7 डिवाइडेड बाई v प्लस 4, ऐसे आ जाएगा।
यहां से क्या करना है हम लोग को, तो देखिए ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में और ये इधर आएगा तो माइनस में, तो यहां से क्या कर देंगे डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू थ्री, ये इधर गया और ये इधर आएगा, थ्री माइनस टू वी प्लस सेवन डिवाइडेड बाई वी प्लस फोर। तो ये डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये थ्री वी प्लस ट्वेल्व माइनस टू वी माइनस सेवन डिवाइडेड बाई वी प्लस फोर, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू थ्री वी में से टू वी गया तो वी, ट्वेल्व में सेवन गया तो प्लस फाइव डिवाइडेड बाई वी प्लस फोर, ऐसे आ गया। अब आप देख सकते हैं यहां से, और देख रहे हैं कि यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्स वाला टर्म एक तरफ और वी वाला टर्म को एक तरफ कर देते हैं। तो देखिए यहां से आएगा ये क्या लिखेंगे, वी प्लस फोर डिवाइडेड बाई वी प्लस फाइव डी वी इक्वल टू ये हो गया डी एक्स, क्या हो गया यहां से वी वाला टर्म एक तरफ और एक्स वाला टर्म एक तरफ, तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा यहां से वी प्लस फोर डिवाइडेड बाई वी प्लस फाइव और ये डी वी इक्वल टू यहां से हो जाएगा ये डी एक्स। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स ऊपर क्या वी प्लस फोर, नीचे क्या वी प्लस फाइव, तो ऊपर में वन जोड़ के वन घटा दीजिए, तो वी प्लस फाइव माइनस वन, वन जोड़ के वन घटा दीजिए, डिवाइडेड बाई क्या वी प्लस फाइव और इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू इधर एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, यहां से इसको क्या कीजिए अलग अलग, तो वी प्लस वी बाई वी प्लस वी, तो क्या आएगा वन डी वी, यानी कि डी वी माइनस वन बाई, तो वन बाई वी प्लस फाइव और ये भी हो गया डी वी इक्वल टू एक्स प्लस सी, सही है ना। अब यहां से इसका डिफरेंसिस इंटीग्रेशन, तो ये वी माइनस इसका हो जाएगा लॉग वी प्लस फाइव इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब यहां से वी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देखिए ये वी की जगह पर ये रख देंगे, तो थ्री एक्स माइनस वाई माइनस लॉग थ्री एक्स माइनस वाई प्लस फाइव इक्वल टू एक्स प्लस सी, ऐसे हो जाएगा। तो देखिए यहां से एक्स इधर आके घट जाएगा, तो क्या बचेगा टू एक्स आएगा ऐसे, और ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, ये भी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो प्लस लॉग थ्री एक्स माइनस वाई प्लस फाइव प्लस सी एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा एग्जांपल नंबर टू। तो इस तरीके से आप इस लेक्चर में देखिए नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि रिड्यूसिबल इनटू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन।